लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कैंसर इलाज के लिए मशहूर खारघर के टाटा एक्ट्रेक हॉस्पिटल के सुरक्षा अधिकारी राजन चौहान और दिलीप नाखवा पर एक दलित ड्राइवर ने नौकरी से निकालने और जान से मारने की धमकी देने का संगीन आरोप लगाया है। पीड़ित सत्यनारायण कामले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1.5 सालों से उसे जातिवाचक गालियां दी जा रही थी, विरोध करने पर उसे नौकरी से बेदखल कर दिया गया। कामले ने कहा कि इस मामले में एट्रोसिटी का केस दर्ज होना चाहिए था, लेकिन खारघर पुलिस कार्रवाई की बजाय आरोपियों को सपोर्ट कर रही है। पीड़ित सत्यनारायण कामले ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे परिजनों के साथ आत्मदहन के लिए मजबूर होंगे। देखिए रिपोर्ट। इसमें राजन चौहान तो पहला एक नंबर तो आरोपी है ही, सेकंड वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है वो है, और तीसरी जो कायदा का जो लोगों को न्याय देने के लिए बैठी है, आज ये अगर उन्होंने आत्मदहन कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ये सोचने वाली बात है। कानून कहता है कि यदि किसी दलित को जातिवाचक गालियां देकर प्रताड़ित किया जाए तो आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन खारघर पुलिस के अधिकारी हैं कि पीड़ित सत्यनारायण कामले की शिकायत पर 1.5 साल से कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित सत्यनारायण कामले ने टाटा एक्ट्रेक हॉस्पिटल के सुरक्षा अधिकारी राजन चौहान और दिलीप नाखवा पर जातिवाचक गालियां देने, प्रताड़ित करने और जबरन नौकरी से निकालने का संगीन आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। कामले की माने तो वह 3.5 सालों से टाटा हॉस्पिटल में बतौर ड्राइवर कार्यरत था, लेकिन सुरक्षा अधिकारी राजन चौहान ने उसे बिना सूचना दिए ही बर्खास्त कर दिया। पीड़ित कामले की माने तो चौहान और नाखवा उसे 1.5 साल से दलित बताकर प्रताड़ित करते रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी दोनों के खिलाफ खारघर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोनों आरोपियों पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं हुई तो वे परिजनों के साथ सामूहिक आत्मदहन के लिए मजबूर होंगे। मैं टाटा मेमोरियल सेंटर खारघर एट्रेक में 3-3.5 साल से वहाँ पे जॉब कर रहा, ड्राइवर के लिए वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। वहाँ के राजन चौहान है सुरक्षा अधिकारी, उनके अंडर में हम ड्राइवर का डिपार्टमेंट उनका आता है, हमारा आता है। तो राजन चौहान को ये पता चला कि ये सत्यनारायण कामले एक चांबर है, तो ये उनको उस दिन से वो मेरे को नीचा दिखा के बात करने लगे। मैं रोता था, मैं बोलता सर मुझे क्यों, मैं हाथ पैर जोड़ता, पर चौहान सर ने कभी मेरी कभी सुनी नहीं, उल्टा मुझे जितना हो सके मैं मतलब तकलीफ लेके वहाँ से छोड़ के चले जाऊँ, ये उनका रीज़न था। वहाँ पे टाटा हॉस्पिटल में मुझे परमानेंट जॉब का चांस था, उसमें मैं एक फिट बैठता हूँ, और चौहान साहब को किसी और को शायद किसी भी वजह से मालूम नहीं, मुझे या पैसे लेके या किसी फेवर में किसी को जॉब पे लगाना था, ऊपर षड्यंत्र करके मुझे वहाँ से निकाल ही दिया। पुलिस चौकी में 2 साल से जा रहा हूँ, वहाँ पे जो तीदार सर थे उनके पास भी कंप्लीट शिकायत दर्ज की है, उसके बाद जो शत्रुघ्न माली उनके पास भी शिकायत दर्ज की, फिर भी मुझे कुछ न्याय मिला नहीं। 2 साल से मैं वहाँ पे उनके चक्कर लगा रहा हूँ, और इस भीतर मुझे एक सुरक्षा अधिकारी जो चौहान सर के नीचे के पदाधिकारी है, उन्होंने घर पे आके धमकाया, मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि तू केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे यहाँ पे सब फैमिली को बहुत तकलीफ होगी, जान से मार देंगे, यहाँ से तुझे जाना पड़ेगा। तो ये हमारे घर में सब भयभीत है, हमारी फैमिली पूरी असुरक्षित है, हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे पूरी फैमिली कंडीशन है बैड होती जा रही है, हमारे 2 साल से हमारे काम धंधा नौकरी नहीं है, इस वजह से हमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब हो रही है, अगर ऐसे चलते रहे तो हमको आत्मदहन करना पड़ेगा, हमें पूरी फैमिली समाप्त करनी पड़ेगी ये, अगर ऐसा हमें न्याय नहीं मिलेगा तो। फिलहाल सत्यनारायण कामले को न्याय दिलाने के लिए अब कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के महाराष्ट्र समन्वयक सुनील सावरडेकर भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि एक दलित कामगार के साथ वर्षों से अन्याय हो रहा है, लेकिन खारघर पुलिस है कि कार्रवाई करने की बजाय तमाशबीन बनी हुई है। वहीं दलित अत्याचारों के खिलाफ काम करने वाले समाजसेवी सुभाष विरोचन ने कहा कि टाटा हॉस्पिटल के अधिकारियों ने सत्यनारायण कामले के साथ जो हरकत की है उसके लिए एट्रोसिटी एक्ट और मानवाधिकार हनन दोनों का मामला बनता है, इसलिए हॉस्पिटल कर्मियों के साथ ही पुलिस अधिकारियों पर भी केस होना चाहिए जिन्होंने पीड़ित को सताया और न्याय देने में देरी की। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा।
इसमें राजन चौहान तो पहला एक नंबर तो आरोपी है ही है, सेकंड वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है वो है, और तीसरी जो कायदा का जो लोगों को न्याय देने के लिए बैठी है वो दो साल से 2019 से लेकर आज 2021 चल रहा है। तो इसका मतलब अगर वहाँ कायदे ने काम अपना कर दिया होता तो आज इसको ये नौबत नहीं आती थी कि ये सुसाइड करने के बारे में सोच रहा हो। हमें ये हो रहा है, फीलिंग हो रहा है कि हमारा समाज के आदमी हमारे सामने ऐसी कैसे सोच सकते हैं कि हमारा समाज उसके साथ है। इसीलिए हमें रास्ते पे भी आएंगे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के आगे भी हम लोग उसको न्याय देने के लिए रहेंगे और लास्ट तक हम उसको सपोर्ट करेंगे। एट्रोसिटी एक्ट रूल 1995-51 और 2016 में भी जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से भी 51 के हिसाब से पहली ही रिपोर्ट पर गुनाह दर्ज होना चाहिए था। अब अगर वो गुनाह दर्ज नहीं कर रहे तो इन्होंने माननीय उपायुक्त के पास भी शिकायत करने के लिए पत्र दिया है जो 5(3) के अंडर आता है, जहां पर उपायुक्त महोदय चाहे तो पुलिस स्टेशन के बिना भी वो खुद मामला दर्ज करवा सकते हैं। ये ह्यूमन राइट वायलेशन भी है और अगर आप इसे देखें तो ये एक सामाजिक अपराध है, ये वेलफेयर एक्ट है और जो समाज में जो अपराध होते हैं उन पर रोक लगाने के लिए एक्ट बनाया है, और ये जो इनके साथ हुआ है एक सामाजिक अपराध है। सामाजिक जो देश भावना होती हैं उनका प्रदर्शन कर लोग उन पर अत्याचार करते हैं, और जो जहां पर न्याय मिलना चाहिए अगर वही गुनहगार का साथ देने लगे तो उसे हम अगर कानून के नज़र से देखें तो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस होता है, गुने का अप्रेरण, वो अप्रेरण कर रहे हैं, गुना का साथ दे रहे हैं, इसलिए वो भी बराबर के दोषी हैं। उनके ऊपर निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी सेक्शन 4 में एट्रोसिटी के हिसाब से कार्रवाई बनती है जो उनके वरिष्ठ अधिकारी को उन पर करनी चाहिए, जिन लोगों ने भी इनका न्याय गुना दर्ज करने में देरी की है उन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।